एटा जनपद के निधौली कला थाना क्षेत्र गांव कासिमपुर में जन्मदिन की खुशी में बज रहे डीजे पर हर्ष फायरिंग होने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। कार्यक्रम स्थल के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में गोली लगने से तार टूट गया। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है, वहीं एक व्यक्ति करंट की चपेट में आने से घायल हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। घटना देर रात्रि की है, जहां निधौली कला थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव के निवासी दीपू के एक वर्षीय पुत्र रजत का जन्मदिन का कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया था। बर्थडे कार्यक्रम में हिस्सा लेने तमाम नाते रिश्तेदार भी पहुंचे थे। जन्मदिन की खुशी में दावत और डीजे का इंतजाम भी किया गया था। डीजे पर नाच गाना चल ही रहा था, तभी कार्यक्रम में पहुंचे दीपू के ससुर थान सिंह निवासी खुदात ताल थाना सहावर ने अपनी लाइसेंसी राइफल से फायर कर दिया। राइफल से निकली गोली ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में जा गिरी। तार टूटकर गिरते ही बड़ा हादसा हो गया, डीजे में करंट दौड़ गया। चपेट में आने की वजह से हरिशंकर पुत्र राम लतैड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं करंट की चपेट में आने की वजह से मनोज नाम का व्यक्ति घायल हो गया। आनन फानन में सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है। परिजनों की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अयोध्या टाइम अलीगंज एटा सुनील गुप्ता के साथ मैं नैन्सी गौतम। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सर, ये थाना निधौली कला क्षेत्र अंतर्गत एक हर्ष फायरिंग की घटना का मामला संज्ञान में आया है। सर, क्या है पूरी घटना और पुलिस द्वारा इसमें क्या कार्रवाई की गई? सर, थाना निधौली क्षेत्र में हर्ष फायरिंग हुई है। बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग होने से बिजली का तार टूट जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पीएम कराया जा रहा है। 304 IPC मानव वध के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। और चूंकि अमापुर का रहने वाला है, कासगंज जनपद का, तो उसकी सस्त लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भी प्रेषित की जाएगी। जो भी विधिक कार्रवाई होगी इसमें की जा रही है।